हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र। इसका सही आंसर है बी, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? आपका ऑप्शन है सफ़ेद, लाल, काली, नीली। तो इनका सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी। आपका ऑप्शन सी सही है। परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? आपका सही इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा की। बी ऑप्शन आपका सही है। चौथा प्रश्न है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? इसका सही आंसर है बी, गुणाकर मूल्य की है। पांचवा प्रश्न है श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है बी, भारती वेंकटेश अयंगार। छः नंबर का प्रश्न गायक का संधि विच्छेद है? इसका सही आंसर आपको होगा बी, गेजोर अक। सातवां प्रश्न लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ए, जुलाई 1925 ईस्वी में। आठवां प्रश्न एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था किसे, यानी लेखक को, निर्माला को, किशोर को, बहादुर को, किसको लघुता का अनुभव हो रहा था? तो इसका सही आंसर है ए, लेखक को। नौ नंबर का क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है? आपका ऑप्शन है धार्मिक, तार्किक, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो बहादुर जो है सामाजिक कहानी है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। दसवां प्रश्न है बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? लेखक ने, निर्माला ने, किशोर ने, लेखक के रिश्तेदार ने? इसका सही आंसर है किशोर ने। ग्यारह नंबर का प्रश्न परंपरा का मूल्यांकन है कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास। इसका सही आंसर है बी, निबंध। बारह नंबर का प्रश्न साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है, यह किस पाठ से उद्घृत है? आपका ऑप्शन परंपरा का मूल्यांकन, नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर। इसका सही आंसर है ए, परंपरा का मूल्यांकन। तेरह नंबर का प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम है किसी में, किसी से, किस से, मुझसे? इसका सही आंसर है सी, किससे। चौदह नंबर का प्रश्न जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, मैक्स मूलर? इसका सही आंसर है बिरजू महाराज। पंद्रह नंबर का प्रश्न पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? आपका ऑप्शन है कानपुर, मैनपुरी, कलकत्ता, देहरादून। इसका सही आंसर है बी, मैनपुरी। आविनियो कहाँ है? आपका ऑप्शन है अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में, दक्षिण फ्रांस में, रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर। इसका सही आंसर है डी, सत्रह नंबर का प्रश्न मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? आपका ऑप्शन है पेड़ का कमरा, नौकर की कमीज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर है सी, महाविद्यालय। अठारह नंबर का प्रश्न ला शत्रुज कहाँ है? आपका ऑप्शन है रूस में, चीन में, फ्रांस में, फिलिस्तीन में? इसका सही आंसर है सी, फ्रांस में। उन्नीस नंबर का प्रश्न झोले में कितनी मछलियाँ थी? तीन, चार, पाँच, छः। तो झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में तीन मछलियाँ थी। कितनी? तीन।
बीसवां प्रश्न, माता का पर्यायवाची है द्वार, देवी, नीर, अंबा। इसका सही आंसर है डी, अंबा। गुण निधि किस कहानी का पात्र है? माँ, दही वाली मंगमा, नगर, ढहते विश्वास। इसका सही आंसर है डी, ढहते विश्वास। 22 नंबर का प्रश्न, मछली कहानी के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है बिरजू महाराज, विनोद कुमार शुक्ल, अमरकांत, रामविलास शर्मा। इसका सही आंसर है बी, विनोद कुमार शुक्ल। 23 नंबर का प्रश्न, बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है डुमरांव, बनारस, लखनऊ, पटना। इसका सही आंसर है ए, डुमरांव। 24 नंबर का प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत है। आपका ऑप्शन है व्यक्ति चित्र, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण। इसका सही आंसर है ए, व्यक्ति चित्र। 25 नंबर का प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट आए? आपका ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी, 1915 ईस्वी में। 26 नंबर का प्रश्न, गांधी जी महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपका ऑप्शन है किसानों ने, नेहरू ने, टैगोर ने, अंग्रेजों ने। तो इसका सही आंसर है सी, टैगोर ने। 27 नंबर का प्रश्न, निम्न में से गांधी जी की पुस्तक है? आपका ऑप्शन है देवप्रिया, हिंदू स्वराज, यदा कदा, देवोढ़ी पर आलाप। इसका सही आंसर है बी, हिंद स्वराज। 28 नंबर का प्रश्न, मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है, किसका कथन है? आपका ऑप्शन है नेहरू जी का, महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ ठाकुर का, मदर टेरेसा का। इसका सही आंसर है बी, महात्मा गांधी का। 29 नंबर का प्रश्न, मंगू कैसी लड़की है? आपका ऑप्शन है पागल, बहरी, गूंगी, पागल, पगली एवं गूंगी। इसका सही आंसर है डी, पगली एवं गूंगी। 30वां प्रश्न है, हरी रस से कवि का क्या अभिप्राय है? आपका ऑप्शन है पूजा वंदना, राम नाम का जप, प्रातःकालीन पूजा, संध्याकालीन आरती। इसका सही आंसर है ए, पूजा वंदना। 31 नंबर का प्रश्न, साक्षर का संधि विच्छेद है? स जोड़ अक्षर, सा जोड़ अक्षर, साक्ष जोड़ र, सा जोड़ अक्षर। इसका सही आंसर है ए, स जोड़ अक्षर। 32 नंबर का प्रश्न, किसके बिना जन्म व्यर्थ है? आपका ऑप्शन है राम नाम बिनु, दौलत बिना, पत्नी बिना, भाई बिना। तो इसका सही आंसर है ए, राम नाम बिनु। 33 नंबर का प्रश्न, संधि के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है सी, 3। 34 नंबर का प्रश्न है, मोटापा में प्रत्यय है टापा, आपा, टप्पा, पा। इसका सही आंसर है डी, पा। 35 नंबर का प्रश्न, कबीर रसखान किस भाषा के कवि हैं? आपका ऑप्शन है पंजाबी, अवधी, अंगिका, ब्रज भाषा। इसका सही आंसर है डी, ब्रज भाषा। 36 नंबर का प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द है राजनीति? देखिए सभी राजनीति ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हर्षई और दीर्घई का अंतर है। इसमें इसका सही आंसर होगा सी, राजनीति का। 37 नंबर का प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। तो इसका सही आंसर है बी, अपादान कारक। यानी अपादान कारक में से विभक्ति होती है और वह अलग होने का भाव उत्पन्न होता है। 38 नंबर का प्रश्न, विफलता का विलोम है कुशलता, असफलता, सफलता, सजगता।
इसका सही आंसर है सी, सफलता। 39 नंबर का प्रश्न, कवि रसखान ने प्रेम अयानी किसे कहा है? आपका ऑप्शन है यशोदा को, गोपियों को, राधा को, प्रेमिका को। आपका सही आंसर है सी, राधा को। 40 नंबर का प्रश्न, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? आपका ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने। इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी ने। सी ऑप्शन आपका सही है। 41 नंबर का प्रश्न, निम्न में किसे संस्कृति का पाठशाला कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हरिद्वार, वृंदावन, काशी, मथुरा। इसका सही आंसर है सी, काशी को कहा जाता है। 42 नंबर का प्रश्न, घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बली, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 43 नंबर का प्रश्न, प्रेम की पीर के कवि हैं रसखान, घनानंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर है बी, घनानंद। 44 नंबर का प्रश्न, द कार्ट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? आपका ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, मैक्स मुलर। इसका सही आंसर है बी, भीमराव अंबेडकर। 45 नंबर का प्रश्न, विष के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? गिरधर की, सेन साहब की, मदन की, सोफर की। तो विष के दांत कहानी में मोटर कार जो है वह सेन साहब की थी, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। 46 नंबर का प्रश्न, अतिशय में उपसर्ग है अ, अति, अतिश, इति। इसका सही आंसर है बी, अति। 47 नंबर का प्रश्न, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? यशो जोड़ दा, यश जोड़ दा, या जोड़ सोदा, यशोद जोड़ आ। इसका सही आंसर है वी, यश जोड़ दा। 48 नंबर का प्रश्न, विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? गिरधर का, सेन साहब का, सेन साहब के दोस्त का, सोफर का। इसका सही आंसर है ए, गिरधर का। 49 नंबर का प्रश्न है, सीता किस कहानी की पात्र हैं? ढहते विश्वास, माँ, नगर, धरती कब तक घूमेगी? इसका सही आंसर है डी, धरती कब तक घूमेगी। 50 नंबर का प्रश्न, धर्म अधर्म कौन समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद, द्विगु। इसका सही आंसर है सी, द्वंद। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।